हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्टिव स्ट्रॉन्ग। इस पर दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे त्रैमासिक परीक्षा 2022 कक्षा 11वीं लेखा शास्त्र का पेपर। दोस्तों आपका जो 28 सितंबर 2022 को अकाउंटेंसी का पेपर होने वाला लेखा शास्त्र का, दोस्तों यही पेपर आपकी त्रैमासिक परीक्षा में आने वाला है। दोस्तों ये वायरल पेपर है, यही पेपर आपकी त्रैमासिक परीक्षा में आने वाला है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, इस पेपर के आप पूर्णांक होने वाला है 50 अंकों का। ये पेपर आपकी त्रैमासिक परीक्षा में आने वाला है और दोस्तों इस पेपर के आज समय होने वाला 2 घंटे का। ये पेपर आपकी त्रैमासिक परीक्षा में आने वाला है। दोस्तों इस पेपर को अच्छे से याद कर लिए, रट लीजिए, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपके पहला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर प्रश्न 1 से 10 तक, प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक है। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक प्रत्येक प्रश्न आपकी परीक्षा में यहाँ पर दोस्तों 1-1 नंबर के आने वाले। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपके पहला क्वेश्चन पूछा है लेखांकन वर्ष की अवधि क्या होती है। दोस्तों लेखांकन वर्ष की अवधि क्या है, दोस्तों ये आपको बताना है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पूछा है खाते के 2 पक्षों को क्या कहते हैं। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन पूछा है खतौनी क्या है। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन पूछा है प्रमाणक क्या है। यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन देख लिए संपत्ति खाते के 2 उदाहरण दीजिए। यहाँ पर छठा क्वेश्चन देख लिए नाम मात्र खाते से क्या आशय है। दोस्तों यहाँ पर सातवां क्वेश्चन देख लिए खाते के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों यहाँ पर आठवां क्वेश्चन देख लिए लेन देन के संक्षिप्त वाक्य को क्या कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर नौवां क्वेश्चन देख लिए प्रारंभिक लेखे की प्रथम पुस्तक किसे कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर 10वां क्वेश्चन देख लिए रोकड़ बही में किस प्रकार के सौदे लिखे जाते हैं। दोस्तों ये आपके यहाँ पर दोस्तों 10 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। पढ़ो दोस्तों, इनके आंसर आपकी बुक से लगा लीजिए, वो याद कर लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर देख लिया 11, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों यहाँ पर 11 से 15 तक प्रत्येक प्रश्न में 2 अंक है। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक प्रत्येक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 2-2 नंबर के आने वाले। दोस्तों यहाँ पर देख लिया, आपके यहाँ पर 11वां क्वेश्चन पूछा है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए व्यावसायिक सौदे से क्या आसे। दोस्तों यहाँ पर 12वां क्वेश्चन देख लिए संस्मरण पुष्टिका क्या है। दोस्तों आप 13वां क्वेश्चन देख लीजिए मिश्रित प्रवृत्ति किसे कहते हैं। अब दोस्तों आप 14वां क्वेश्चन देख लिए क्या रोकड़ बही का सेल डेबिट होता है। दोस्तों यहाँ 15वां क्वेश्चन देख लिए सहायक बहिया क्या होती है। दोस्तों ये आपके यहाँ 2-2 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, हो गए। फटाफट दोस्तों इनके उत्तर आपको आपकी बुक से लगा लेना और याद कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लिया, यहाँ पर हमारा है 16 से 21 तक प्रत्येक प्रश्न 5 अंक है। दोस्तों यहाँ पर 16 से लेकर 21 तक प्रत्येक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में यहाँ पर दोस्तों 5-5 नंबर के आने वाले। दोस्तों यहाँ पर देख लिया, आपके यहाँ 16 क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित व्यवहारों से क्रय खाता बनाइए। दोस्तों आपको क्रय खाता बनाना है, ठीक है। इसके माध्यम से दोस्तों आपको यहाँ पर एक क्रय खाता का निर्माण करना है। आप दोस्तों यहाँ 17वां क्वेश्चन देख लिए, 17वां क्वेश्चन में आपको क्या करना है निम्नलिखित व्यवहार से शुभम का खाता बनाइए। दोस्तों आपको यहाँ पर शुभम का खाता बनाना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर 18वां क्वेश्चन दिया। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए निम्नलिखित व्यवहार को पंजी में दर्ज कीजिए। दोस्तों आपको यहाँ पर इन व्यवहारों को आपको यहाँ पर पंजी में दर्ज करना है। इनके उत्तर आपको आपकी बुक से मिल जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर 19वां क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित व्यवहार से क्रय बही तैयार कीजिए। दोस्तों आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में क्रय बही तैयार करना है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर 20वां क्वेश्चन आने वाला। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है निम्नलिखित लेन देनों को मेमर्स जगदीश ब्रदर्स की विक्रय वापसी में लिखिए। अब दोस्तों हम चलते हैं बार 21वें क्वेश्चन पर। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ 21वां क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित व्यवहार से त्रिस्तंभी रोकड़ बही बनाइए। दोस्तों आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में निम्नलिखित व्यवहार से त्रिस्तंभी रोकड़ बही बनाइए। दोस्तों आपको रोकड़ बही बनाना है, ठीक है। या फिर दोस्तों आप दोस्तों अब देख लीजिए, आप अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों यहाँ पर 8वां क्वेश्चन, ठीक है। या फिर दोस्तों आप इसके 8वां क्वेश्चन को भी कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे यहाँ पर लेखा शास्त्र का पेपर कंप्लीट हो गया जो 28 सितंबर 2022 को आने वाला है। दोस्तों फटाफट इसे यहाँ पर पेपर के उत्तर लगा लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आपको इस पेपर का PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इसके साथ ही आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।